हम करने वाले हैं ब्यूटीफुल सा आई मेकअप। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले हम एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेते हैं आईब्रो के लिए एंड स्ट्रोक्स बनानी है उस पर ताकि वो एक नेचुरल लुक लगे हमारी आईब्रो में। एक स्मॉल ब्रश के साथ में मैं डार्क आई शेडो लेके ब्राउन कलर की फिल करूँगी आईब्रो में। ऐसे ही हम दूसरी साइड में अप्लाई करेंगे, एक शेप क्रिएट करेंगे एंड उसको भी फिल कर लिया। तो हम अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए कि इससे ऊपर के एरिया पे हमारे को शेड लेके ही नहीं जाना है। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है अगर आप पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब हम अपनी आईज़ पे बेस लगाएंगे क्योंकि बेस है जो हमारे कलर्स को पकड़ के रखता है। बेस लगाने के बाद में मैंने पर्पल कलर लिया है और एक फ्लैट ब्रश लिया है। देखिए आप, छोटा सा ब्रश है, क्रीज लाइन से आउटर कॉर्नर तक ले जाते हुए मैं एक शेप क्रिएट करूँगी। हमें हमेशा जो हमारा कलर डिपॉजिट उसी हिसाब से करना चाहिए जो शेप हम चाहते हैं। अगर ये मैं कट क्रीज करती तो मैं कट क्रीज वाली शेप में कलर है उसको मैं डिपॉजिट करती। इसी तरह अगर आप शेप लेके चलेंगे तो आपका जो आई मेकअप है वो बेस्ट होगा। एक बड़े प्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारी क्रीज लाइन है वो अच्छे से इन्हेंस हो, एकदम पॉप आउट होके आए। तो हम उस पर एक डार्क कलर करेंगे। तो मैंने ब्लैक चूज़ करा है, ब्लेंड हो गया है वो। अब हम एक क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे एंड आप, मैंने एंगलर ब्रश लिया है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। देखिए ये, अगर आप इस पे आपका हाथ सेट नहीं है तो जिससे बेस लगाया था आप उसके थ्रू भी लगा सकते हैं, कोई स्मॉल ब्रश भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं क्रीज लाइन को क्रिएट करते हुए मैंने दोनों साइड में कर लिया है। देखिए एक मैंने बहुत ही प्यारी सी शेप को एक बना लिया है अपनी आईज़ पे। अब इस जगह पे क्या करना है, हमें दूसरा कलर डिपॉजिट करना है। लेकिन जो ये हार्श लाइन दिख रही है तो मैं क्या करूँगी, एक स्मॉल ब्रश लेके और जो मेरा मैंने लाइन क्रिएट की है क्रीज लाइन उस पर अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि एकदम से शो ना हो, वो दिखे ना कि अलग से ही कुछ पैच लगा हुआ है। तो हमारे को उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। हम एक फ्लैट ब्रश को लेंगे और जो हमारा सेकंड कलर है हम उसे डिपॉजिट करेंगे। क्रीज लाइन से नीचे का जो एरिया है इसमें ऑरेंज कलर को लेके उसे डिपॉजिट करूँगी। तो नीचे के एरिया पे मैंने थोड़ा सा बड़ा फ्लैट ब्रश लिया, उसकी हेल्प से कर रही हूँ। एंड जो हमारा इनर कॉर्नर है तो वहाँ पे आप एक स्मॉल ब्रश ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से कलर को रखना है। यहाँ पे हमारे को ब्लेंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ब्लेंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत हमें क्रीज लाइन पे होती है। बट जो नीचे के एरिया में हम कलर रखते हैं वो डिपॉजिट करना होता है सिर्फ, उसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। और इनर कॉर्नर है उसे भी हाईलाइट कर लिया है मैंने। ये मेरी लूज पिगमेंट है, बहुत ही प्यारी पिगमेंट है, मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ और बहुत ही रीजनेबल है ये। हमारे आउटर कॉर्नर पे मैं हल्का सा इसे ब्लेंड करते हुए एंड डिपॉजिट करूँगी। देखिए कितना प्यारा सा एक जो है शिमरी लुक आ गया है, क्योंकि जो ब्राइडल है, ब्राइडल को थोड़ा सा शिमरी लुक देना ज़रूरी है, मैट लुक इतना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी मिस क्लेयर की टू वे जेल है, इसे मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और लूज़ ग्लिटर लगाऊँगी थोड़ा सा ताकि मेरी ब्राइड से किसी की भी नज़र ना हटे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये आई मेकअप। और हाँ, जितनी भी ब्राइड्स हैं अगर ये आई मेकअप इस बार आप करते हैं तो आई प्रोमिस किसी की भी नज़र आपसे नहीं हटने वाली, बस वो आपको ही निहारता रह जाएगा। थोड़ा सा और खूबसूरत बना लेते हैं अपनी आईज़ को। तो अंडर आईज़ पे मैंने सेम ऑरेंज कलर का जो है एक लाइनर टाइप से क्रिएट कर लिया है अपनी आईज़ के एकदम लैश लाइन पे एंड थोड़ा सा ब्लैक टच देके हम उसे और ब्यूटीफुल बनाएंगे। देखिए ब्लैक कलर लगाते के साथ ही एक अलग ही लुक आ जाता है। एंड लाइनर लगाएंगे हम, बहुत ही बारीक सा मैंने लाइनर लगाया है, बिल्कुल भी विंग्स हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। एंड लाइनर लगा के एंड लैशेज लगा के हमारा ये मेकअप यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा सा नोज़ को भी कॉन्टोर कर लेते हैं हम एंड उस पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लिया है ताकि भी फेस पे जिसकी भी निगाह पड़े तो बस हटे ना बिल्कुल भी। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आइए।